बॉडी को रिलैक्स छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स, शोल्डर स्ट्रेट, सॉरी आर्म स्ट्रेट, शोल्डर डाउन, हेड डाउन, अप, ओनली लेग को स्ट्रेट करके आप कोई मूव नहीं करना, लेग को मूव नहीं करना, हेड को मूव नहीं करना, सिर्फ आपको फ्लोट होना है, बॉडी को फ्लोट रखना। जैसी बॉडी ऊपर फ्लोट हो जाए उसके बाद रिलैक्स हो जाओ। आपकी बॉडी फ्लोट होने लग जाए तो आप लेग को स्टार्ट कर सकते हैं। लेग को स्टार्ट करने के लिए अप डाउन लेग को ऊपर नीचे, हैंड स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, हैंड बिल्कुल स्ट्रेट करना आपको, लेग स्ट्रेट। ये आपको वन बाय वन लेग चलाना, हैंड स्ट्रेट रखना है, लेग स्टॉप नहीं करना, लेग आपकी कंटिन्यू चलेगी। यस यस, लेग आपकी कंटिन्यू चलेगी। हैंड को लेग को स्ट्रेट रखना है आपको, हैंड और लेग स्ट्रेट रखना है, हेड डाउन करना है, प्रॉपर गैप करना है। ये नहीं कि आप दोनों हैंड को चिपका लोगे, आपको दोनों हैंड को चिपकाना नहीं है, ज्वाइंट नहीं रखना, स्पेस बनाए रखना है, हेड को डाउन करना है। हेड डाउन करने के लिए शोल्डर डाउन रखना है, प्रॉपर हैंड स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, रिलैक्स करके जितना बॉडी को रिलैक्स करोगे उतना ही बेटर कर पाओगे आप। जितना बॉडी को टाइट करोगे या आप हैंड से टाइट करोगे तो आपकी प्रॉपर लेग नहीं चलेगी। लेग को बेंड नहीं करना, एल्बो को बेंड नहीं करना, और प्रॉपर हेड और शोल्डर डाउन रखोगे आप। इससे पहले एक बॉडी को जितना रिलैक्स करोगे उतनी बॉडी जल्दी बाहर निकल जाएगी, और जितना आप टाइट करोगे, लेग से टाइट करोगे, हिप से टाइट करोगे या हैंड से टाइट करोगे, उतनी ही बॉडी आपकी नीचे चली जाएगी, नीचे जाएगी, यानी कि आपकी प्रॉपर तरीके से फ्लोट नहीं हो पाएगी। प्रॉपर तरीके से फ्लोट होने के लिए आपको बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री करना पड़ेगा अपने आप को। हेड प्रॉपर डाउन करना है, लेग को वन बाय वन करके लेग चलाना है, और जिससे आपको वाटर बैलेंस बन जाए। ये भी आपको वाटर बैलेंस के काम ही आता है। जब हम स्विमिंग स्टार्ट करते हैं, स्विमिंग करेंगे बेसिक स्विमिंग, तो उसमें आपको प्रॉपर तरीके से आपको बॉडी रिलैक्स छोड़ना ही पड़ेगा आपको। अगर नहीं छोड़ोगे तो प्रॉपर तरीके से आपकी गर्दन नहीं निकलेगी, गर्दन नहीं निकली तो आप ब्रीथ नहीं ले पाओगे, और उसके बाद लेग आप चला ही नहीं पाओगे। प्रॉपर तरीके से लेग नहीं चली तो फिर आपकी फिर वही डाउन हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। तो इसके लिए आपको बॉडी रिलैक्स छोड़नी पड़ेगी आपको। ये आपका थर्ड और फोर्थ आपका आ गया आपका, इसके अंदर थर्ड और फोर्थ पार्ट इसी के अंदर है। थर्ड में आपका हो गया लेग को स्ट्रेट करके मूव नहीं करना, ओनली स्ट्रेट करना, बॉडी को फ्लोट रखना, ओनली फ्लोट। और फोर्थ में आपका हो गया लेग को वन बाय वन करके चला के फ्लोटिंग करनी, अपनी बॉडी को फ्लोट करना है। इसे फ्लोटिंग विद पैडलिंग बोलते हैं। ये आने के बाद उसके बाद हम करेंगे गर्दन को लेग कंटिन्यू चलाने और गर्दन निकाल के ब्रिज लेना है पानी के अंदर, ब्रिज को आउट करना है। आउट करने के लिए नोक से ब्रीद आउट करना है, माउथ से इन करना होता है, माउथ से इन करना है, बाहर निकाल के गर्दन निकाल के माउथ से सांस लिया और नोक से ब्रीद को आउट कर दिया।
करते रहिए 4 डेज। 4 डेज में आप यहाँ तक पहुँच पाओगे, आप अच्छे से कर लोगे। आप जुड़े रहिए रमेश के साथ, और आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू। बंद कर।